आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में कई तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं। आप लोग जैसे फॉलो करें मेरे को डेली बेस पे, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी। मैंने कई अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए, चाहे क्यूटी हो, चाहे टेस्ला हो, चाहे बिरला हो। मैंने अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट नाम के इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बताए और ये बताया कि इनकी रेंज क्या है। और मैंने ये भी कहा है कि मैं आगे ऐसा लाता रहूँगा, टेंशन नहीं। तो ऐसे में आज मैं आपके लिए एक अटपटे नाम का या टंग ट्विस्टर नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आऊँ। मेरे लिए तो टंग ट्विस्टर है, आपके लिए हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, जो कि है इलेक्ट्रिक्स LXS, LXS। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि डेली बेस के लिए कंपनी निकालती है, और कंपनी भी इलेक्ट्रिक सी है, समझ रहे हो ना? सारी चीज़ L से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप लोग लेते हो, अगर आपके L लग गए तो मेरे को बोलना। तो अगर आप लोग जानना है कि इलेक्ट्रिक्स के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या मिलता है, मतलब कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, मतलब प्राइस, रेंज, स्पेसिफिकेशन और फीचर, तो भाई ये वीडियो पूरी एंटर देना, कहीं भी इसकी मत करना। और उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये L वाले स्कूटर लेने हैं या नहीं लेने हैं। और भैया वीडियो स्टार्ट करने पहले आपको अपने स्क्रीन के ऊपर लाल बटन दिखाओ सब्सक्राइब वाला, उसका दबा के उसका कलर चेंज कर देना, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप लोग टाइम टू टाइम अपडेट हो जाए कि भैया ये स्कूटर भी आते हैं और डेली बेसिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कि गवर्नमेंट काम करती है पब्लिक को लेके। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको 1900 वाट की BLDC मोटर मिल जाती है, और साथ इसके अंदर आपको 48 वाट की बैटरी मिल जाती है, जो कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, और फुल चार्ज होने के बाद आपको 60 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। और अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ कि कितने ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इसका सिर्फ एक वेरियंट अवेलेबल है जो कि स्टैंडर्ड। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो होती है 75,000 से, जो कि शोरूम प्राइस है। और इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक स्कूटर 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम मिल जाते हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको CBS मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, फास्ट चार्जिंग, मोबाइल कनेक्टिविटी विद ब्लूटूथ, डिजिटल ऑडोमीटर, पुश बटन स्टार्ट, एंटी थेफ्ट अलार्म, हेल्थ एंड बैटरी कंडीशन, लास्ट राइड एंड सर्विस हिस्ट्री, इमोबिलाइजेशन, बैटरी आइकन, लाइव लोकेशन, चार्जिंग स्टेशन ट्रैकर। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो है इसके हेडलाइट है वो हेलोजन है, टेल लाइट बल्ब है, और टर्न सिग्नल लैंप भी बल्ब है। और साथ इसके अंदर एक और फीचर मिलता है आपको कि ये इसमें इंडिकेट भी करता रहता है कि कितनी दूरी पर जाके इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी कम्प्लीटली, मतलब ये बताता है कि रिमेनिंग किलोमीटर कितना बाकी है। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 0 से 25 किलोमीटर की स्पीड ले लेगा सिर्फ 5 सेकंड के अंदर में। अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई है 710 मिलीमीटर की है, लंबाई 1870 मिलीमीटर की है, ऊंचाई 1260 मिलीमीटर की है, और उसकी जो सीट हाइट है वो 760 मिलीमीटर पे है, और उससे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 160 मिलीमीटर पे है, और उससे जो व्हील बेस है वो 1330 मिलीमीटर का है, और उससे जो ड्राइव वेट है मतलब बिना बैटरी के वो 70 kg का है, और उससे जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 155 किलोग्राम की है, और जो उसकी बैटरी का वेट है वो 12.5 किलोग्राम का है। मतलब अगर आप लोगों को टोटल स्कूटर का वेट निकालना है तो आप लोगों को ड्राइव वेट प्लस बैटरी वेट ऐड करना पड़ेगा, मतलब जो कि हो गया आपका 73 किलोग्राम। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक बैटरी मिलती है आपको वो लिथियम आयन मिलती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ यूज़र हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उनको इको मोड के अंदर जो रेंज मिली है वो 90 किलोमीटर तक की मिली है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ कि कंपनी ने इसके अंदर सस्पेंशन कैसे दिए हैं, क्योंकि इंडिया की रोडें बिल्कुल मक्खन वाली हैं, कहीं भी आपको गड्ढे नहीं मिलते, खैर गड्ढे क्या रोड ही नहीं मिलती वो अलग बात है, तो इसके फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिंग मिल जाती है और रियर में कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। इसके साथ इसके अंदर जो व्हील टाइप है वो शीट मेटल है और ट्यूबलेस टायर है। तो अगर आप लोग कोई डेली यूज़ के लिए कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की प्लान कर देते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रिक के LXS को कंसिडर कर सकते हो, अगर आप लोग लेना है तो, और अगर आपके समझ में आ गया है तो, क्योंकि ये काफ़ी टंग ट्विस्टर नाम रहा है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी इस नाम के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसे नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को होती है दिक्कत, वो मानेंगे नहीं मगर होती है उनको ऐसी दिक्कत बोलने में, मैं मान रहा हूँ। तो अगर आप लोग लेने की प्लानिंग करते हैं तो भैया कंसिडर कर सकते हो, और अगर लेते हो तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पर, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ, फेसबुक से लेकर ट्विटर पर, इंस्टाग्राम से लेके ऑर्कुट पे, सब जगह अवेलेबल हो। अगर टैग का ऑप्शन आया तो टैग मारना, मैं आगे रिट्वीट या रीटैग जरूर कर दूँ आपको, ताकि ऐसे आम जाम लगा रहे और कनेक्टिविटी बनी रहे। बाकी अगर आपका मन कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम डीएम में पूछ सकते हो, मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पर डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हो, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर में, और एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर में, ताकि आप लोग जब मन करे आप लोग दे सको। और अगर आपके मन में थोड़ी सी श्रद्धा है मेरे को सपोर्ट करने की तो उसे शेयर भी कर सको,
इस वीडियो से इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी मीटिंग लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो मैं भी टेक केयर।